नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की। मणिपुर पीआई आहिरे साहब एवं मणिपुर पुलिस के स्टाफ ने हाथों से हटाए सड़क पे पड़े पेड़। ताऊते चक्रवात के चलते वसई विरार मनपा क्षेत्र में कई पेड़ धराशायी हो गए। आज अल सुबह से इन पेड़ों को हटाए जाने पूरा का पूरा प्रशासन जुटा हुआ था। अक्सर जगहों पर पेड़ हटाने का काम मनपा अग्निशमन दल द्वारा किया गया। वहीं वसई अंतर्गत एक स्थान पर सड़क पर पड़े टूटे पेड़ को हटाने खुद वसई मणिपुर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आहिरे साहब मैदान में उतर पड़े और अपने हाथों से पेड़ को रास्ते के किनारे से हटाया। आहिरे साहब के इस काम में उनके थाना क्षेत्र के कुछ जवानों ने भी बखूबी साथ निभाया एवं जनता को होने वाली परेशानियों से बचाया। हमसे बात करते हुए आहिरे साहब ने जनता को सतर्क रहने की अपील भी की। आगे सुनिए आहिरे साहब को। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। सर, क्या कहेंगे, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या क्या हालात भी दिखाई दे रहे हैं? ये वसई मणिपुर में और पालघर जिले में जो चक्रीवादल हुआ है, इसमें बहुत सारे झाड़ गिरे, बहुत जगह पानी जमा हुआ था, झाड़ की वजह से बहुत सारे ट्रैफिक जाम हो गई थी और झाड़ इसकी वजह से झाड़ तोड़ने का काम चालू है और हमारे पुलिस और होमगार्ड झाड़ जो बाजू में हटा रहे हैं और ऐसा होल्डिंग बिल्डिंग भी बाजू में हटा रहे ताकि किसी को इंजरी ना हो सके, इसलिए हमारा ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ये हिसाब से हमारा रोड सफाई का काम चल रहा है। सर, आपके जुरिडिक्शन में कोई बड़ी घटना, बड़े हादसे की कोई घटना सामने आई है अभी तक? क्या नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर भी झाड़ भीड़ हटाने का काम चल रहा है, दुर्घटना न होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये सब कामकाज करें, बीएमसी का सपोर्ट लेके, फायर ब्रिगेड का सपोर्ट लेके कामकाज चालू है। सर, अपने क्षेत्रवासी को क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे, अभी तक इसका क्या कितना असर और हो सकता है, क्या इस बारे में कुछ? बहुत सारे जगह पे पत्रा वगैरह टूटा है और घर के छप्पर वगैरह टूटे हैं और झाड़ अभी भी गिर रहे हैं, तो लोगों ने ट्रैफिक चलते समय ज़रा सावधानी बरतना चाहिए ताकि रात को एक्सीडेंट न होना चाहिए और अपना जान माल की संरक्षण होना चाहिए। थैंक यू सर। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।